नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और विधान परिषद की तरफ चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। तो वहीं लखनऊ उन्नाव में अब एमएलसी चुनावों की सरगर्मी देखने को मिल रही है, जहां चुनावी प्रचार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से उन्नाव में आज चुनावी प्रचार किया जा रहा है। तो वहीं सीधा लेके चलते हैं आपको उन्नाव। और हमारे साथ चलकर आए सांसद जी के प्रतिनिधि अमितेश जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे साथी और डॉक्टर साहब हमारे गुप्ता जी पप्पू बिहारी और कहते हुए नाम का अरविंद झा है और हमारे साथी सांसद हैं ऋषभ और हमारे सभी सम्मानित साथी, आज हम लोगों को हम आए थे यहाँ पर प्रधान और बीटीसी लोगों का सम्मान करने, लेकिन यहाँ के प्रधान गण और बीटीसी के साथियों ने मुझे फूल मालाओं से लाद किया और जिससे मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ उसमें कोई जगह नहीं इतना माला गया। साथियों, मैं अपने प्रधान साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो काम के प्रधान है, हम तो नाम के प्रधान हैं। हम तो नाम के प्रधान हैं, वो काम के प्रधान हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपके काम के प्रधान हम नाम के प्रधान नहीं, हम आपके काम के प्रधान बन के दिखाएंगे। साथियों, ये जिला, मैं जब पहले कभी घर से निकलता था आता था, जब निकलता था तो मुझे लगता था हमारे लखनऊ राजधानी का बगल का जिला है और बहुत पिछड़ा होता था। लेकिन साथियों, यहाँ के हमारे प्रिंस मीडिया के साथी भी हैं, ये भी जानते होंगे कि जब इस जिले में 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 के पहले, लेकिन साथियों, यहाँ के लोगों ने 2014 में जब उस देश के प्रधानमंत्री के दावेदार आदरणीय मोदी जी हुए और उनको आपने उन पर भरोसा जताया और भरोसा जिताने के बाद आपने यहाँ से उनके प्रत्याशी सांसद प्रत्याशी साक्षी जी महाराज को आपने यहाँ से सुनकर उसके बाद 2017 में यहाँ पर से आपने उनके सारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों को हटा के भेजा। यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष भी आपने बनाया। तो विकास की धारा चली और जो आपको विकास दिखाई दे रहा है, जिले में विकास दिखाई दे रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है और तमाम काम हो रहा है। मैं मित्रों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने सारे सांसद, सारे विधायक, जिला पंचायत सब आपने जिताया है, जो विकास करने का काम कर रहे हैं, आपके भाई का भी नाम योगदान होने वाला है। आप यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, बहुत सारे बीजेपी हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वही उसके वोटर हैं। आम लोग उसके वोटर नहीं हैं, लेकिन आम लोगों ने इनको प्रतिनिधि बना के आपको भेजा है। आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ है,
आपका आशीर्वाद है। जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए, जो नहीं आए हैं, जो आपका आशीर्वाद है, आपके परिचित हैं, संबंध वाले लोग हैं, उनसे आप कहेंगे कि साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके देश में अपना प्रत्याशी बना के दिया। सदन में तो मैं पहले भी रहा हूं, तब मुझे विधायकों ने चुन के भेजा था, इस बार प्रधान और मुख्यमंत्री दोस्तों को भेजे। साथियों, आप मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके विधान परिषद को भेजने जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से पहले जो भी लोग रहे हों, 6 साल से आपको रुके कि नहीं रुके मैं जानता है, आप ज्यादा जानते हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 6 साल नहीं, महीने में 6 बार कम से कम आपसे मुलाकात होने वाली है। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए कभी बंद नहीं होंगे, ये दावा है। आपके लिए ही नहीं, मैं तो टेलीफोन 24 घंटे कभी बंद नहीं कर रहा। हो सकता आजकल शिकायत हुआ, हो सकता हमारे कुछ साथियों को आज कल शिकायत हो, ये भी चुनाव है, क्योंकि आपका एक फोन आता है तो दूसरा लाइन में वेटिंग में होता है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है। लेकिन मेरी जरूर कोशिश होती है कि मैं कॉल बैक करूँ, ये मेरी आदत में है, वरना मैं 24 घंटे कभी अपना टेलीफोन स्विच ऑफ नहीं करता। अगर स्विच ऑफ होगा तो ये मान लो या तो किसी जहाज में है और या तो वरना कभी होने नहीं। तो मित्रों, आपके लिए कभी मेरे घर के दरवाजे तो आपको बेल बजाने की जरूरत नहीं होगी, आपके लिए हमेशा वो दरवाजा खुला है, आपके लिए टेलीफोन बंद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन युवाओं की आवाज, आपकी आवाज विधान परिषद में, विधानसभा में गूंजेगी, आपको आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी, इसके लिए बुलाए नहीं। तो आप मुझे भरोसा किए, मैं देख रहा हूँ, मैं तो लखनऊ में, लखनऊ का जो रहने वाला हूँ, वो हमारा गृह जनपद है, वहाँ के साथियों ने मुझसे कहा कि आप जाओ चुनाव में, कई दिनों से लगातार चुनाव में, कल भी माननीय विधायक जो यहाँ के विधायक हैं हमारे, आपको शुक्ला जी, कल 2 बजे रात तक मैं उनके साथ, आज हम बात करना चाह रहे थे लेकिन उनके बाद से बात नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे जनपद के रहने वाले लखनऊ के लोग मुझे जबरदस्ती उन्नाव भेज रहे, कहते हैं आप ये आपका गृह जनपद है, हाँ यहाँ आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप उन्नाव रहिए। और हमारे उन्नाव के जो हमारे प्रतिनिधि साथी हैं, हमारे विधायक कहाँ हैं, वो कहते हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप जाके लखनऊ देखिए। तो आपका साथियों प्यार प्रेम जो हमारे प्रति है, तो इस प्रेम का भी आभार आपको, और इस प्रेम का मैं कोशिश करूंगा, मेरा आपसे वादा है कि एक फूल माला का, एक एक पंखुड़ी का कर्ज के रूप में मैं इसको मानता हूं, और मैं इसको मैं ब्याज के रूप का करूंगा। बड़ी देर से आप बैठे, बहुत साथी हमारे बैठे हैं, मुझे नाम नहीं ले पाए, और तमाम साथी तो हमारे विद्यालय के साथ मिला नहीं, तो उसके लिए मैं सबसे तमाम साथियों क्षमा चाहता हूँ। आप बड़ी देर से बैठे हैं, हमने आने को कहा था 12 बजे, आप पहुँचे 11:15, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। मित्रों, आपका आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे अपील करता हूं कि जो आने वाला चुनाव है 9 अप्रैल को, तो मुझे भरोसा भी है, यकीन भी है कि आप सबका जोर देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ किसी विपक्षी को वोट होने वाला
एक नियम है, घरों से निकल कर आप तो जा ही रहे हैं, इन जो आपसे परिचित हो संबंध वाले हों जिनसे हम नहीं मिल पाए हो पाए, हो सकता हम जब हमारी मुलाकात ना हो पाई हो, इसलिए आप मुलाकात कर लीजिए, आप घर रामचंद्र दुकान बन जाइए। लेकिन मैं आपसे से भरोसा देना चाहता हूँ कि जिनसे मैं नहीं मिल पाया उनसे मैं निश्चित तौर पर मिलने का काम करूँ, क्योंकि और सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा। मित्रों मिलजुल करके काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, विकास के काम करेंगे, और मित्रों जो भी सुख दुख होगा मिलकर बांट कर रहेंगे, और आगे बहुत सारा काम करना है हमारी पार्टी की ही, जिस हम पार्टी ने हमको रोजाती बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की ही नीति है, विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। खासकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी इस पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ताकतवर बनाते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन में आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। कल वो मुख्यमंत्री हुए हैं, कल उन्होंने शपथ लिया है, और शपथ लेने के बाद मैं उनकी भावना जानता हूँ कि उस इस पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ताकतवर करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये अभी तो डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहिए, हमको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, और वो ट्रिपल इंजन की सरकार इस पंचायती राज व्यवस्था है। साथियों मैं आप भरोसा करिए हमारे मुख्यमंत्री जी पर, कि हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच है, इस पंचायती राज पर बड़ा काम होने वाला है, इसके आप सहयोग बनने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आए हुए साथियों का साथियों का हम सब चुनाव के बाद 12 तारीख के बाद बढ़िया मिलजुल करके एक तरफ चाय देंगे और होंगे, अभी हम लोग मिलजुलेंगे, चाय पियेंगे, बैठेंगे, तमाम समस्याओं का हल करेंगे और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, उन्होंने अपनी बात रखी जनता से, चुनाव के दिन मतदान की अपील करी है। तो विधान परिषद चुनावों की लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी है, और आप रामचंद्र प्रधान को सुन रहे थे जिनको जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है, और उन्नाव में इस वक्त जनता के बीच मौजूद है। उन्होंने कई बातें कही, आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो वहीं सुनील सिंह साजन जो कि सपा से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान। जनता का काफी समर्थन मिलता दिख रहा है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में भाजपा को जो प्रचंड जीत मिली है, अच्छा खासा बहुमत मिला है, तो वहीं अब MLC चुनाव है और 9 तारीख को वोट करने की अपील करी है रामचंद्र प्रधान ने, और उन्नाव में इस वक्त मौजूद है, जनता के बीच मौजूद है और जनता से वोट करने की अपील की। तो रामचंद्र प्रधान को काफी अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है, जनता से वोट करने की अपील की है। आपने जितनी भी चुनावी दावे वादे हैं वो भी करते हुए नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं विकास की बात जो मुद्दा है उनका विकास का मुद्दा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।